तो हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम छो केड़ो हाल है कैसा है वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज है मंडे तो जल्दी से उठकर आज सुबह में हम निकल गए जल्दी बोले तो हमारी 11 बजे ही उठे उठे तक और अभी निकले तक बज रहे हैं 12। तो अभी हम जा रहे हैं सफ़र के अंदर सफ़र पे और अभी हम आज निकल चुके हैं बॉम्बे के लिए बी टाउन के लिए। तो अभी चलते हैं बी टाउन और हमारे साथी दर एज यूजुअल शोएब खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। तो ये हमारे बड़े भाई हमारे साथ में एज यूजुअल होते हैं कहीं भी हम लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करते हैं तो हम दोनों की जोड़ी चलती है जय और वीरू की जोड़ी बनी रहती है कंपलसरी। तो अभी निकले हैं तो आज हमारे पायलट है शोएब खान। तो चलो चलते हैं मुंबई और मिलते हैं मुंबई में। वाय मेरे फोन का एक्सपोजर फट क्यों रहा है? व्हाट इज हैपनिंग विद माय फोन? तो गाइज ये समृद्धि एक्सप्रेसवे मुंबई और नागपुर का जो हाईवे है वो स्टार्ट हो चुका है अभी शिरडी तक। तो अभी हम उस पर लगे हैं। तो ये देख सकते हैं आप रोड बड़ा ही बेहतरीन रोड बन गया है और इस पर तो ट्रैवल करने का बॉम्बे तो बहुत मज़ा आएगा। देख सकते हैं आप गाड़ी को भी एकदम स्मूथली चल रही है और लेन क्या प्यारा दिख रहा है। क्या फील इट कम हियर एंड फील इट। और जो भी रूल्स है वो फॉलो करिए ओवरलैंड ओवरटेक ये वो सब जो यहाँ पर बताए गए वो रूल्स को फॉलो करते हुए आप गाड़ी चलेगी इस रोड के ऊपर। तो क्या प्यारा व्यू बना है। और तो अब अपने को जाने का टेंशन ही नहीं रहा शुभ्या। हाँ बॉम्बे चलो तो सीधा बैठा समृद्धि पे लगो। गाड़ी की स्पीड बताओ अभी कितने पे? ₹120 पे है और समझ में नहीं आ रही स्पीड। 120 पे ओवर स्पीडिंग बिल्कुल भी ना करो इस रोड पे क्योंकि कोई भी रोड पे मत करो ये रोड हो कोई भी रोड हो सेफ्टी अपने हाथ में है तो उस हिसाब से गाड़ी ड्राइव करा करो। याद रखो कि जान से बढ़ के कोई चीज नहीं होती लाइफ में उसको उतना केयर करते हुए गाड़ी चलाया करो हर कोई सफर की दुआ पढ़ के चलाएं। इतने देर से निकले हैं तो एक छोटा सा तो ब्रेक बनता है और बहुत देर के बाद रुके हैं। हम खाना खाते हैं नासिक पे और नासिक में हम कोपनी दरबार होटल के अंदर हम यहाँ पर खाना खाएंगे और निकलेंगे क्योंकि अभी बच रहे हैं 4:30। तो बहुत देर हो गई सुबह में 12 बजे खाना खाया था लेट हो गया। बोलिए भैया इतना ऑर्डर को चाय खाना कोल्ड ड्रिंक अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज डन। अब निकलेंगे सफ़र पे और सफ़र में चलने से पहले ही सब कुछ मुकम्मल कर लेना और वो हिसाब से चलते रहना क्योंकि ज़्यादा ब्रेक लेना बोले तो कोई वेस्ट ऑफ टाइम होता है और उससे जर्नी बहुत हार्ड हो जाती है क्योंकि ऑन टाइम अपन कहीं पहुँच नहीं सकते। और क्योंकि अब जैसे बॉम्बे जा रहे हैं तो वहाँ पर सिटी में एंट्रेंस के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो वहाँ पर ही अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा ऑलरेडी। तो इसीलिए जैसे ही अपन हाईवे पे लगते हैं तो कोशिश करते हैं विदाउट एनी ब्रेक कंटिन्यू करें अपनी जर्नी बॉम्बे तक फिर बॉम्बे घूमते हैं थोड़ा बहुत। तो खाना तो बड़ा बेहतरीन था यहाँ कोकनी दरबार पर। अगर बॉम्बे कोई जा रहा है वाया नासिक थोड़ा ले सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल रहा है सिर्फ ब्रेकफास्ट करके तो यहाँ आके वो डिनर कर सकता है आराम से तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर नॉनवेज के लिए तो बेहतरीन जगह है। तो हमारे शोएब खान एकदम खा के एकदम रिलैक्स हो गया वैसा दिख रहा है कि उनको नींद आ रही है वो सीधे सोने के उसमें दिख रहे हो क्योंकि गाड़ी के सीट रिक्लाइन करने के चक्कर में दिख रहे हो। सीट रिक्लाइन करने के चक्कर में दिख रहे हो और ये पिछले 2 घंटे से हम परेशान है कसारा घाट के ऊपर। अभी टोइंग वैन को बुलाए हैं अब देखते हैं गैरेज पर जाके क्या है गाड़ी का फॉल्ट
इतनी देर से गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और शुएब भाई गाड़ी के पास ही थे और बॉम्बे जाते टाइम कुछ ना कुछ हमारे साथ प्रॉब्लम हो ही रहा है। अब अल्लाह को पता क्या मसले हो रहे हैं, क्या सीन है अब गाड़ी का क्या नहीं। पिछले दो घंटे से तो परेशान वो टाइमिंग को ऐसा टो करके लेके जा रहे हैं। अब हम बहुत देर हाथ काले पीले करने के बाद गाड़ी टो के लिए रेडी हो पाई है। हम यहाँ से निकलेंगे, फाउंटेन होटल के पास जाएंगे, वहाँ गैरेज में देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्या फॉल्ट है गाड़ी के अंदर, और वो सॉर्ट आउट करेंगे। और सॉर्ट आउट करने के बाद पहुँचेंगे मुंबई। तो ये गाड़ी हमने लगा दी है गैरेज पर, A1 मोटर गैराज पर, और इसका टाइमिंग बेल्ट टूट गया है गाड़ी का। तो वो टाइमिंग बेल्ट सुबह में अरेंज होगा और सुबह में उसका पूरा क्या मसला है वो मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि वो बैठे बाद भी इंजन के अंदर थोड़ी बहुत उसकी सेटिंग रहती है, वो सेटिंग होने के बाद पता चलेगा। और हमने पहुँचे बाद यहाँ पर रूम ले लिया था, तो अभी चलते हैं लॉज के अंदर और चल के वहाँ पर पहले सबसे पहले खाना खाते हैं और फिर रेस्ट करते हैं सुकून से और इन्जॉय करते हैं। ये भी एक इन्जॉयबल मोमेंट है लाइफ का, अल्हम्दुलिल्लाह बोल के गुजार हूँ। अब इतना सब होने के बाद खाना तो खाना बनता है, तो अभी पापड़ सालन वगैरह आ गया है, सब खाना खाते हैं, फिर रूम में चलते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, थोड़ी देर क्या आराम से रेस्ट करते हैं, फिर उठते हैं। तो अल्लाह ने आपके भाई को ऐसी समझ दी है कि आपका भाई इतना समझदार है कि मालूम था ऐसा कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा, तो इससे पहले अपन ने सबसे पहले आए और यहाँ पर रूम देखे। ये होटल ट्यूलिप है और ये है कसारा पे, तो अभी रात में यहाँ पर स्टे करेंगे और रूम भी बड़ा बेहतरीन मिला है। पर एक नाइट के लिए जो लोकेशन है और जैसा रूम है उतना वर्थ नहीं है, रूम पॉश है पर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। अभी ऊपर चलते हैं, रूम का व्यू दिखाते हैं आप सबको। गाइस थोड़ा फ्रेश हो गए अभी फेस वॉश हो करके और अभी बाल सेट कर रहे हैं पर हो नहीं रहे हैं। और ये है रूम, ये देखिए कुछ ऐसा है, देखिए रूम ये ऐसा है। एसी भी लगा हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और ये टेंशन की एक सबसे बड़ी बात है कि बाल नहीं झड़ रहे, क्योंकि सुबह में कितना टाइम लगता है पता नहीं, क्योंकि अब गाड़ी का तो काम लंबा हो चुका है। अब देखते हैं सुबह में कब तक रेडी होती है और कब तक बीच टाउन पहुँचते हैं और क्या होता है, क्या क्या सीन सिनेरियोज होते हैं हमारे साथ। लास्ट दो टाइम से तो हमारे साथ ऐसे हो रहा है, जब भी बीच टाउन के लिए निकल रहे तो रास्ते में कुछ ना कुछ हमारे को हडल्स आ ही जा रहे हैं और ऐसे नहीं बहुत ख़तरनाक वाले हो जा रहे हैं, गाड़ी के प्रॉब्लम्स आ जा रहे हैं। यूँ तो घूमने जाओ या कहीं भी जाओ तो वैसा नहीं होता, वो तो एक अच्छी बात है कि फैमिली हो, फैमिली के साथ में नहीं हो रहा है। जब हम अकेले रह रहे हैं, दोस्त या भाई हम लोग रह रहे हैं तभी हो रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की मर्ज़ी के आगे हम कुछ बोल नहीं सकते, सीधी सी बात है। इसमें भी हमारी खैर होंगी और उसके लिए अब हम बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तक ही था आज का सफ़र और इसी के साथ आज के सफ़र को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह अपनी ख्याल अपना ख्याल रखे, अपनी फैमिली का ख्याल रखे, अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखे और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कड़ा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।